हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सीखे चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं। अगर आप अपने यूट्यूब वीडियोज में वाइट बोर्ड एनिमेशन का यूज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको इसमें सबसे सरल और सबसे सही तरीका बताने वाला हूँ। ये जो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन चल रहा है ये मैंने अपने एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा बनाया है और मैं आज आपको भी सिखा दूंगा कि आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल के द्वारा इसको कैसे बना पाएंगे। तो चलिए सीख लेते हैं। एंड्रॉयड मोबाइल पर वाइट बोर्ड एनिमेशन को बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत होगी जिसका नाम है वीडियो स्क्राइब। ये आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिल पाएगा, तो इसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और डाउनलोड करने के बाद उसको ओपन कर लेते हैं हम, और आपको मेरी मोबाइल की स्क्रीन पर दिख रहा होगा वीडियो स्क्राइब, यही वो एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आज हम आपको वाइट बोर्ड एनिमेशन बनाना सिखाने वाले हैं। तो इसको ओपन करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं अपने मोबाइल को रोटेट कर लेता हूं और थोड़ा बड़ा भी कर लेता हूं जिससे कि मैं आपको आसानी से समझा पाऊं। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद इस एप्लीकेशन का इंटरफेस कुछ इस तरीके से होगा और आपको अपने नेट से कनेक्ट रहना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने पहले से कुछ वर्क कर रखा है, इसलिए यहाँ पर और बहुत सारे एनिमेशन के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और आपको यहाँ पर केवल एम्पेटी प्रोजेक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। आपको फर्स्ट नंबर पे यहाँ पर दिख रहा होगा ये ब्लैंक प्रोजेक्ट है, आप इसके प्लस पॉइंट पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ये एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा और एक एक चीज़ मैं आपको पूरी तरीके से समझाने वाला हूँ। ये देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये देखिए यहाँ से आप अपने पिक्चर को इम्पोर्ट करेंगे इस एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को लिख सकते हैं जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है, और यहाँ से आप अपने म्यूज़िक को इंपोर्ट करा सकते हैं। इसकी ख़ुद की भी म्यूज़िक गैलरी, आप वहाँ से भी म्यूज़िक ले सकते हैं, और यहाँ से आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कई सारे यहाँ फंक्शन हैं, एक एक करके मैं आपको बता दूंगा और मैं आपको दिखा देता हूं किस तरीके से आपको इसमें इमेज को इंपोर्ट कराना है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले से कुछ इमेजेस जो हैं वो इंपोर्ट करा रखी हैं। अगर आप अपने मोबाइल से इंपोर्ट नहीं कराना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि वीडियो स्क्राइब से ही आप इमेज को यूज़ करें, तो यहाँ पर एक सर्च बार दिया होता है जिस पर लिखा हुआ है कीवर्ड। यहाँ पर आपको जिस टाइप की इमेज चाहिए आप उस टाइप का कीवर्ड यहाँ पर टाइप कर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर एक कीवर्ड टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे मोबाइल। मोबाइल लिखने के बाद इसको डन कर देता हूँ, और डन करने के बाद आपको यहाँ पर ये निशान दिख रहा होगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इमेज शो हो जाएंगी, तो आप इसमें से कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर एक ये थर्ड नंबर पे इमेज है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये इमेज जो है वो आपके इस एप्लीकेशन में इम्पोर्ट हो जाएगी, और आप इसको यहाँ से उठा कर आप कहीं भी सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ, यहाँ साइड से आप इसको पकड़ कर छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, आसानी से छोटा या बड़ा भी हो जाती है इमेज। और अगर आप यहाँ से छोटा बड़ा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान दिया हुआ है, यहाँ से आप इसकी इमेज को छोटा कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी आप इसके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और जब आपको लगे कि इमेज का साइज़ बिल्कुल सही हो गया तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। आप वैसे भी कर सकते हैं लेकिन यहाँ से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, इसको थोड़ा सा अप कर दीजिए। और यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर सेट कर दिया, और सेट करने के बाद अगर आप चाहें तो उसको प्ले करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर प्ले का आइकॉन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने इस टाइप से ये ड्रॉ होने लगेगा। और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये लगे कि ये स्पीड बहुत स्लो है तो आप इसकी स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। स्पीड बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर नीचे की तरफ ये मोबाइल का लोगो दिख रहा होगा, इसी पिक्चर का लोगो है, आप इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस और माइनस का निशान दिया हुआ है, ये रहा प्लस माइनस का निशान और ये रहा प्लस का निशान। अगर आप इसकी टाइमिंग को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसकी टाइमिंग को यहीं से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको माइनस जैसे ही करेंगे इसका जो टाइम है वो कम होता चला जाएगा,
तो मैंने इसके टाइमिंग को कम कर दिया, 2 सेकंड कर दिया। और अगर आप इसको और ज़्यादा एडिट करना चाहते हैं तो और ज़्यादा एडिट करने के लिए आपको यहाँ पर एक लोगो दिख रहा होगा, ये रहा, इसको क्लिक कीजिए तो आपकी इमेज जो है वो और ज़्यादा एडिट हो जाएगी। इसको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आप अपने एनिमेशन के टाइम को और यहाँ पर ट्रांजिशन को आसानी से बदल सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं, आप इनको यूज़ करिएगा, बहुत ईजी है, आसानी से आप कर लेंगे। यहाँ पर ये ड्रा का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको ड्रा कर सकते हैं। तो ये ड्रा के ऑप्शन पर सेट है पहले से। और अगर आप चाहते हैं कि आपका एनिमेशन ड्रा ना हो, मूव हो केवल, तो मूव होने पर आप जो हैं अपने एनिमेशन को जब आएगा तो वो केवल एक हैंड के द्वारा आएगा और वो हैंड जो है वो रख कर चला जाएगा। तो ये ऑप्शन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप मूव इन पर क्लिक करेंगे इसका एनिमेशन का स्टाइल जो है वो बदल जाएगा। इसको मैंने मूव इन कर दिया है और मूव इन करने के बाद नीचे राइट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद अब मैं आपको इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पर ये हैंड आया, उसने यहाँ पर ये इमेज को रखा और चला गया। तो ये मूव इन का ऑप्शन है, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टाइमिंग को बदलना चाहें तो वो मैंने आपको पहले से बता दिया है। और जब आप कंफर्म हो जाएं कि आप इमेज का साइज़ यही रखना चाहते हैं और इमेज का टाइम भी यही रखना चाहते हैं और इमेज का स्टाइल भी यही रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक वीडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद ये आपका जो एनिमेशन है वो सेट कर दिया जाएगा। और सेट करने के बाद आप चाहें तो दूसरी इमेज को यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से एक मेनू बार ओपन हो जाएगा। तो उसको मैं फिर से ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद एक इमेज को और यहाँ पर और मंगा लेता हूँ, तो इस पर फिर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद आपके सामने इस टाइप का पेज ओपन हो जाएगा। और अब की बार हम अपने चैनल के लोगों को इम्पोर्ट करा लेते हैं। और इम्पोर्ट कराने के बाद ये देखिए इम्पोर्ट हो चुका है, और इसको उठाकर एक साइड से रख देते हैं। तो इस तरीके से ये काफ़ी अच्छा लगने लगा। और अगर आप चाहें तो आप इसमें टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट को लिखने के लिए फिर से इस पर क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद ये सेकंड नंबर पर ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट का, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे कि मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेलकम, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगर आप इस टेक्स्ट के कलर को बदलना चाहते हैं तो नीचे ये पैनल दिया हुआ है, कलर पैनल, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप अपने टेक्स्ट के कलर को चूज़ कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं रेड कलर चूज़ कर देता हूँ, और चूज़ करने के बाद इसको राइट के निशान पर क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद ये टेक्स्ट आपका यहाँ पर शो होने लगेगा, और आप इसको यहाँ से उठा के ऊपर रख लीजिए। और इसके साइज़ को अगर घटाना बढ़ाना चाहें तो इस पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसके साइज़ को यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं आसानी से। तो मैंने इसके साइज़ को बढ़ा दिया है, और इसको मैं केवल टेक्स्ट को प्ले करके देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्ले का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसको मैं प्ले करके देख लेता हूँ। ये देखिए, इस तरीके से लिखा जाएगा। और लिखने के बाद ये अगर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए तो आप इसमें ऑडियो भी इंपोर्ट करा सकते हैं। ऑडियो को इंपोर्ट कराने के लिए आपको फिर से इस पर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑडियो के 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो ये म्यूज़िक का और एक ये रिकॉर्डिंग का। तो मैं म्यूज़िक वाले पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ से पहले से मौजूद कुछ ट्रैक हैं जो यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रैक दिए हुए हैं यहाँ पर, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस ट्रैक को यूज़ करना चाहते हैं तो किसी भी एक ट्रैक पर क्लिक कर दीजिए। ट्रैक पर क्लिक करने के बाद इस राइट के निशान पर क्लिक कर दीजिए, तो ये आपके इस एप्लीकेशन में इंपोर्ट होने लगेगा ऑडियो। तो इस तरीके से आप अपने म्यूज़िक को भी इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और रिकॉर्डिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें एनिमेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जब लगे कि हाँ हमारा प्रोजेक्ट जो है रेडी हो चुका है, और रेडी होने के बाद आप इसको प्ले करके देख लीजिएगा। प्ले का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। और क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पर ऑडियो जो है वो बंद कर दिया ताकि डिस्टर्ब ना हो। तो इस तरीके से देखिए ये ड्रॉ होने लगेगा, और ड्रॉ होने के बाद ये एक तरफ रख दिया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप इसको यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। और जब आपका ये प्रोजेक्ट रेडी हो जाए तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेव का ऑप्शन दिया होता है, बिल्कुल एंड में ऊपर की तरफ दिया हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। और क्लिक करने के बाद ये प्रोजेक्ट आप अपना या तो ड्रॉप बॉक्स में सेव कर सकते हैं,
या फिर यूट्यूब पर डायरेक्ट डाल सकते हैं या फेसबुक पर डाल सकते हैं। और चूंकि ये फ्री ट्रायल है, ये मैंने ख़रीदा नहीं है एप्लीकेशन, इसलिए यहाँ पर एक लोगो बन के आ रहा है वीडियो स्क्राइब का। तो अगर आप फ्री यूज़ करेंगे तो यहाँ पर एक लोगो बन के आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने वीडियोस में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो आप इसको ख़रीद सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये एप्लीकेशन आपको अच्छा लगे तो आप इसको ख़रीद सकते हैं, और ये जो आपको लोगो दिख रहा है वीडियो स्क्राइब का, वो यहाँ से हट जाएगा अगर आप इसको ख़रीद लेंगे। तो अगर आप YouTube पर अपनी वीडियोस में इसका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको ख़रीद लीजिएगा। ये बहुत ही इजी और बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, और यहाँ से आप इसको ड्रॉप बॉक्स में सेव कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक कर दीजिएगा। अब क्लिक करने के बाद ये आपके ड्रॉप बॉक्स में जाकर सेव होने लगेगा। ये देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयरिंग वीडियो इन्फॉर्मेशन। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उन लोगों से मेरा कहना है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के और भी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।